हाय फ्रेंड्स, मैं सूरज आज डॉस के कुछ ऐसे कमांड बताने जा रहा हूँ जो अविश्वसनीय है। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बता देता हूँ, डॉस का फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। फ्रेंड्स, डॉस में कमांड का काम होता था। पहले ज़माने में होता था फ्रेंड्स कि डॉस के जितने सारे कमांड, जिस व्यक्ति को जितना सारा कमांड मालूम रहता था वो उतना बड़ा जानकार कहलाता था। और सबसे ज़्यादा जॉर्ज का यूज फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा डॉस का यूज वन रक्षी विभाग यानी कि फॉरेस्ट ऑफिसर लोग किया करते थे फ्रेंड्स, क्योंकि ये कमांड से रिलेटेड है फ्रेंड्स। तो चलिए मैं आज कुछ कमांड बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं बता दूँ, डॉस को दो या तीन तरह से आप खोल सकते हो। पहला तरीका, स्टार्ट में जाएं और यहाँ से कमांड प्रोमोट पर क्लिक कर दें। देखिए मेरा डॉस खुल चुका है। दूसरा तरीका है शॉर्टकट से, विंडो और आर प्रेस करें और यहाँ से टाइप करें CMD। ये देखिए मेरा कमांड प्रॉम्प्ट खुल गया। अब एक चीज और मैं यहां से बता देता हूं, अगर बाहर निकलना हो फ्रेंड्स, इसे एग्जिट करना हो तो EXIT करके इंटर मार देने से आप बाहर आ सकते हो। एक और तरीका है खोलने का फ्रेंड्स, यहां से आके आप CMD यहां भी प्रेस कर सकते हो और इंटर मार दो। देखिए मेरा डॉस खुल गया। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ यहाँ से फोल्डर बनाना, कि डेस्कटॉप पर कैसे फोल्डर बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे, यहाँ दो बात आपको याद रखना पड़ेगा फ्रेंड्स, कि कोई भी फोल्डर या कोई भी कमांड CD से अंदर लाता है। किसी को भी अंदर करना हो तो CD से करेंगे, और फोल्डर बनाना हो तो MD से बनाएंगे। कोई भी फोल्डर MD से बनता है। MD का फुल फॉर्म है मैक डायरेक्टरी। पहले फोल्डर को हम लोग डायरेक्टरी कहते हैं। तो देखिए डेस्कटॉप पर मैं फोल्डर बनाने जा रहा हूँ, तो जैसे कि मैं डेस्कटॉप पे फोल्डर बनाऊंगा तो डेस्कटॉप अंदर आएगा। जैसे सबसे पहले यही करना पड़ेगा, CD स्पेस डेस्कटॉप, CD स्पेस डेस्कटॉप और इंटर मारें। देखिए मेरा डेस्कटॉप अंदर आ चुका है। अब MD से फोल्डर बनाएंगे, MD से फोल्डर बनाएंगे, MD स्पेस और यहां से टाइप करेंगे फोल्डर नाम। जैसे कि मान लीजिए मैं फोल्डर नाम राम दे रहा हूँ, REM। जैसे मैं इंटर प्रेस किया, देखिए डेस्कटॉप पे फोल्डर राम नाम का बन गया फ्रेंड्स। ये देखिए डेस्कटॉप पे बन गया। चलिए और मैं एक फोल्डर बना के दिखाता हूँ। एक बार CD आपको करना है फ्रेंड्स, एक बार CD स्पेस डेस्कटॉप इंटर मार दिया, डेस्कटॉप एक बार अंदर आ जाने के बाद आप जितना फोल्डर डेस्कटॉप पे बना सकते हो। जैसे कि MD स्पेस मैं इस बार कबीर के नाम के बनाता हूँ, इंटर। देखिए कबीर के नाम का भी फोल्डर बन गया। फिर करता हूँ MD स्पेस। एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, जैसे कबीर बनाए तो बन गया फ्रेंड, इसी तरह अगर सूरज भी बनाएंगे तो बन जाएगा। लेकिन अगर दोनों नाम साथ में जोड़ दूं, जैसे सूरज कुमार एक ही में आए, तो फ्रेंड्स ये सूरज कुमार एक साथ ऐसे नहीं आएगा। जैसे कि मैं देखिए MD स्पेस सूरज कुमार डाल रहा हूँ, देखिए इंटर, सूरज कुमार एक साथ नहीं बना फ्रेंड्स, दो अलग अलग फोल्डर बन गए। सूरज अलग हो गए और कुमार अलग हो गए, सूरज अलग हो गए और कुमार अलग हो गया। अब क्या करें फ्रेंड्स, जो दोनों फोल्डर साथ में मर्ज हो जाए, सूरज कुमार एक साथ आ जाए। तो इसे करने के लिए इन्वर्टेड कॉमा का यूज करना पड़ेगा, MD स्पेस। देखिए यहां से इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट किया, शिफ्ट और अनुपात से सूरज कुमार और इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दिया। इससे फ्रेंड्स इंटर मारने से सूरज कुमार एक साथ हो जाए। देखिए फ्रेंड्स सूरज कुमार मेरा एक साथ हो गया। चलिए एक बार और मैं बनाता हूँ, MD स्पेस इसे मोनू कुमार देना है, तो इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट कर लिया, मोनू कुमार और इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दे, इंटर। देखिए मोनू कुमार के नाम का भी फोल्डर बन गया। अगर स्क्रीन को साफ करना हो, जैसे कि स्क्रीन मार लीजिए भरते जा रहा, इस स्क्रीन को क्लियर करना है, साफ करना हो जब भी स्क्रीन को, तो CLS कमांड यूज करें फ्रेंड्स, CLS। देखिए ये स्क्रीन साफ हो जाएगी, देखिए स्क्रीन साफ हो गई। अब यहां से मैं फोल्डर को हिडन करने सिखाऊंगा। देखिए फोल्डर बन गया फ्रेंड्स, दो नाम मर्ज करके भी फोल्डर बन गया। अब फोल्डर को मैं डिलीट मारने कर बताता हूं, पहले फोल्डर को कैसे डिलीट मारा है। जैसे कि सबसे पहले मेरा कबीर का ऊपर में बना हुआ है, ये देखिए इसे मैं डिलीट मार के, तो RD कमांड से डिलीट होता है। कोई भी फोल्डर को डिलीट करना हो तो RD से डिलीट होगा।
आरडी स्पेस कबीर और यहाँ से इंटर। देखिए कबीर का नाम फोल्डर डिलीट हो चुका है। अब जैसे सूरज को डिलीट मारना, आरडी स्पेस सूरज, देखिए सूरज भी डिलीट हो गया। कुमार को डिलीट मारना, आरडी स्पेस कुमार, देखिए कुमार भी डिलीट हो गया। सूरज कुमार को डिलीट मारना, तो ये जैसे बनाए थे फ्रेंड्स उसी टाइप का डिलीट मारना पड़ेगा। जैसे आरडी स्पेस लिए, इन्वर्टेड कॉमा डाल के बनाए थे, इन्वर्टेड कॉमा सूरज कुमार और फिर इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दें और इंटर प्रेस करें। देखिए सूरज कुमार ये मेरा डिलीट हो गया। मोनू कुमार सेम इसी तरह आरडी स्पेस इन्वर्टेड स्टार्ट मोनू कुमार और इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दें। देखिए मेरा मोनू कुमार भी चले, सारे फोल्डर डिलीट। फिर से इसे साफ करना सी एल एस से स्क्रीन साफ करें। तो आज आपने सीखा डिलीट करने की। तो देखिए मेरा अगला कमांड होगा हाइड करना, कैसे फोल्डर को हाइड करेंगे। चलिए एक फोल्डर बनाते हैं एमडी स्पेस रामू इंटर। देखिए रामू नाम का फोल्डर बन गया। अभी से मैं हाइड करके दिखा रहा हूं। तो हाइड करने के कमांड होते हैं आतरीब। यस फ्रेंड्स नाम है उसका आतरीब, ए डबल टी आर आई बी आतरी। और यहां से प्रेस करना है प्लस एच प्लस एस प्लस आर। देखिए यही कमांड होता हाइड करने का, आतरी प्लस एच प्लस एस प्लस आर। और यहां से स्पेस देके देंगे रामू और यहां से हम इंटर प्रेस करेंगे। देखिए रामू नाम का फोल्डर हाइड हो गया। अब इसे फिर वापस लाना, जैसे हाइड तो हो गया फ्रेंड्स, अब इसे अगर अनहाइड करना तो आप अनहाइड कैसे करेंगे। देखिए अनहाइड का भी सेम फॉर्मूला है आतरी, जहां जहां प्लस डाले थे वहां सिर्फ माइनस कर दीजिए, माइनस एच माइनस एस और माइनस आर। और यहां से वही फोल्डर नाम जिसे लाना राम। देखिए आ गया, देखिए रामू नाम का फोल्डर आ चुका है। अब देखिए मैं राम के नाम का भी फोल्डर को हाइड करके दिखाता हूं। आतरी प्लस एच प्लस एस प्लस आर और यहां से प्रेस करना है राम और इंटर प्रेस करें। देखिए राम वाला फोल्डर भी हाइड हो चुका है, राम वाला फोल्डर चले चुका है। अब देखिए राम वाले फोल्डर को मैं वापस कैसे लाता हूँ, यहाँ राम था चले गया, ये रामू है राम चल गया। अब फिर राम को वापस लाएंगे तो यहां से प्रेस करेंगे आतरी माइनस एच माइनस एस और माइनस आर और यहां से राम प्रेस करें। मतलब प्लस प्लस देने से हाइड हो जाएगा, अब माइनस माइनस देने से अनहाइड आ जाएगा। फॉर्मूला सेम रहेगा, कमांड सेम रहेगा। देखिए राम जो हाइड हुआ था वो राम आ गया। चलिए ये हो गया, अब इसे फिर से साफ कर लेते हैं सी एल एस स्क्रीन क्लियर। देखिए अब मैं एक चीज आपको बताता हूँ, मैं अभी तुरंत थोड़ा देर पहले मैं आपको बताया हूँ कि फोल्डर कैसे डिलीट करते हैं। जैसे राम वाला डिलीट करना तो बताया था आर डी स्पेस राम और इंटर। देखिए राम वाला फोल्डर डिलीट हो गया, लेकिन अगर ये इम्पटी फोल्डर है इसमें कुछ इसके अंदर डाला गया नहीं, अगर इसके अंदर कुछ डाला रहेगा तो इतनी आसानी से ये डिलीट नहीं होने वाला। जैसे कि चलिए मैं इसको खोलता हूँ राम को और कुछ डाल देता हूँ, एक फाइल बना लेता हूँ। देखिए फाइल बन गया, तो इसके अंदर फाइल आ गया। अब ये इस तरह डिलीट नहीं होगा, जैसे आर डी स्पेस रामू कर देंगे तो ये डिलीट जाने वाला नहीं। जब किसी फोल्डर के अंदर गाना वीडियो पिक्चर या कोई फाइल डाला गया हो तो उसे इस कमांड से आप डिलीट मारेंगे आर डी ऑब्लिक एस करना पड़ेगा और स्पेस देखिए फोल्डर नाम रामू इस टाइप का आपको डालना है, जब कुछ इसमें रहेगा भरा हुआ तो। और यहाँ से आपको पूछेगा सियोर है एस करना चाहते हैं, मतलब डिलीट करना चाहते हैं, तो यस कर दीजिएगा वाई एस। देखिए रामू का फोल्डर डिलीट हो गया। अब मैं बताता हूँ इसके बैकग्राउंड के कलर को आप कैसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ से राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज में जाएं और यहाँ से जो कलर करना चाहे आप ले सकते हैं, इजीली है, एकदम इजीली। राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज में जाना और जो कलर लेना है। अब देखिए तो ये बैकग्राउंड कलर था, अगर मान लीजिए आपको फॉन्ट कलर चेंज करना है, जैसे ये फॉन्ट कलर भी व्हाइट है, इस कलर को चेंज करना हो तो कैसे करेंगे। तो यहां से आपको कलर प्रेस करना है सी ओ एल ओ आर कलर स्पेस और क्वेश्चन मार्क का चिन्ह दीजिए शिफ्ट दबा के, तो इससे
मुझे ये पता चलेगा कि किस कलर से कौन रंग आएगा, हेल्प मतलब कलर क्वेश्चन मार्क इंटर। देखिए मुझे बता रहा है, 0 से ब्लैक, 1 से ब्लू, 2 से ग्रीन, 3 से एक्वा, 4 से रेड, 5 से पर्पल, 6 से येलो, 7 से व्हाइट और इधर है 8 से ग्रे, मतलब और सारा डिटेल सारा दिया हुआ। मान लीजिए सपोज हमें रेड करना है, तो देखिए रेड 4 नंबर में, रेड कितने नंबर में, 4 नंबर में, क्या करेंगे, सी ओ एल ओ आर कलर स्पेस 4 देके इंटर। देखिए रेड हो गया, एकदम ब्राइट व्हाइट करना है तो ब्राइट व्हाइट देखिए एफ से, तो यहां करेंगे सी ओ एल ओ आर एफ इंटर, एकदम ब्राइट व्हाइट हो गया। देखिए पूरा स्क्रीन को साफ करना हो सी एल एस इंटर, पूरा स्क्रीन साफ। इसमें एक दो कमांड और बताता हूं कि डेट एंड टाइम अगर देखना हो तो, सिर्फ टाइम देखना हो तो टी आई एम ई करके इंटर मारेंगे फ्रेंड्स। देखिए मेरा टाइम दिखा दिया, डेट देखना हो तो डी ए टी करके इंटर मारेंगे, डेट भी दिख गया। और अगर वर्सन चेक करना होगा सिस्टम का, जैसे कौन से वर्सन का है, तो भी आर करके इंटर मारेंगे। देखिए मेरा वर्सन बता दिया 6.176। वॉल्यूम चेक करना होगा तो भी ओ एल करके इंटर मारिए, देखिए वॉल्यूम दिखा दिया। और पूरा साफ करना होगा सी एल एस इंटर, ये मेरा साफ। अगर इससे बाहर निकलना हो ये पूरा डॉट से, तो एग्जिट प्रेस करेंगे, ई एक्स आई टी एग्जिट और इंटर। यदि मेरा ये डॉस कमांड आपको पसंद आया हो फ्रेंड्स, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब इसलिए करें फ्रेंड्स कि डॉस का अगला कमांड मैं जो डालने वाला हूँ इससे भी बड़ा अद्भुत होगा, इससे भी और भयानक भयानक कॉन्सेप्ट होंगे फ्रेंड्स, इसीलिए आप सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे आपको अगले वीडियो का मेरा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।